स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है कि भोजन के समय कौन सा रस पहले खाना चाहिए, कौन सा रस बीच में लेना चाहिए, कौन सा रस अंत में लेना चाहिए, यहाँ पर रस से तात्पर्य है टेस्ट से, माने मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, तिक्त, कसाय, कटु, लवण और मधुर। इन छह रसों में से सबसे पहले कौन से रस का इस्तेमाल करें? और मैं थोड़ा सरल करता हूँ, आपके भोजन में मीठा होता है, नमकीन तरह की चीज़ें होती हैं, खट्टी भी होती हैं जैसे रस होते हैं, अचार होता है, छाछ या दही होता है, गुड़ होता है और करेला कटु में होता है ना, तिक्त में मिर्च मसाले होते हैं। तो इसमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? बहुत मज़ेदार वीडियो है और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा चढ़ा करके बहुत सारी जानकारियों से जुड़ी हुई, माने गागर में सागर की तरह इस वीडियो को बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं एक सामान्य आयुर्वेद का नियम बता रहा हूँ, फिर अनुभव की बात करूँगा। सबसे पहले आपको आयुर्वेद के अनुसार जब भोजन की शुरुआत करें तो मीठा खा करके, जैसे कि खीर है, खीर बना हुआ है या गुड़ रखा है या कोई भी मीठा आहार अगर है तो समझ लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि उसमें रखा हो, लेकिन अगर दो तीन तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग रसों की हैं, षट रस होते हैं ना आयुर्वेद में, छह रस, छह प्रकार के टेस्ट, तो इसमें शुरुआत आपको करनी है मीठे से, मीठे भोजन से। अगर आपके पास में कोई मिठाइयाँ नहीं है, खीर भी नहीं है, तो आप गुड़ थोड़ा ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, उससे आप एक दो गिलास की शुरुआत करें। इसके पश्चात आपको लेना है, जब भोजन करना शुरू कर दें, आपको नमकीन चीज़ें खानी है, नमकीन, मिर्च मसालेदार चीज़ें, और इसके बाद आप साथ में खट्टी चीज़ें जिसमें अचार, दही, छाछ इत्यादि आता है, और सबसे लास्ट में आप कसाय और कटु ले सकते हैं, अर्थात जिसका स्वाद कसैला हो या फिर कड़वा हो। कड़वी चीज़ों में सामान्यतया आप जानते ही हैं करेला होता है, ये आप सबसे बाद में लें। अब इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं कि सबसे पहले मीठे का वर्णन यहाँ क्यों किया है। मीठे का वर्णन इसलिए किया, जब आप मीठा खाएंगे, जैसे जब आपको भूख तेज लग रही हो और आप मीठा खाएंगे तो उससे तुरंत आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा, ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा, आपकी भूख धीरे धीरे शांत हो जाएगी और एकदम भूख में तेजी नहीं रहेगी। तो इससे आप चिंता मत करना कि भूख मर जाएगी, भूख मरेगी नहीं, आपको अपना जो थैला है, पेट है, वो ज़्यादा भोजन से भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये अनुभव की बात है। अच्छा, जिसको अगर भूख नहीं लग रही है तो उसको भी क्या मीठे से शुरुआत करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये अनुभव की बात कह रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद दूसरी जगह एक व्यवस्था दे रहा है कि जो तिक्त चीज़ें हों, जैसे कि अदरक का टुकड़ा, लहसुन का टुकड़ा, सेंधा नमक डाल करके आप एक दो गिलास के साथ में पहले आप खा लीजिए, इससे आपकी भूख तेज हो जाएगी, अर्थात पित्त बढ़ जाएगा। अगर आप भोजन के पहले मधुर भोजन लेते हैं, मीठा लेते हैं थोड़ा, उससे आपका कफ लार बनेगी
और जो कि भोजन पचाने में आसानी करते हैं, भोजन पचाने के कार्य को सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लग रही हो तो आपको शुरुआत तिक्त चीज़ों से करना चाहिए, है ना, ये थोड़े से चरपराहट वाली चीज़ें हों, ठीक है ना। बीच में आपको जो बताया जैसे कि नमकीन चीज़ें खाना, वो तो है ही, पित्त को बढ़ाने के लिए है। अब किसी किसी का प्रश्न होगा कि गुरुदेव कि कुछ लोग कहते हैं कि भोजन के बाद में मीठा खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, ये कहाँ का नियम है? ये नियम भी बेटा आयुर्वेद का ही है। पूछो कैसे? जिनको खाना खाने के बाद में अम्ल बनता है, माने एसिड बनता है, क्या बनता है? एसिड, तेजाब बनता है, एसिडिटी बनती है, खट्टी डकारें ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो खट्टा भोजन है वो बीच में कर लेना चाहिए, लास्ट में नहीं। अम्लीय चीज़ों का प्रयोग भोजन के लास्ट में नहीं करना है, ऐसे दही है, छाछ है, जो भी खट्टी चीज़ें, अचार है, ये भोजन के मध्य में कर लेना चाहिए नमकीन के साथ में। और लास्ट में जिनको अम्ल बनता है, एसिडिटी बनती है, वो लोग लास्ट में मीठा खाएं या गुड़ खाएं, जिससे कि पित्त उनका बढ़ने ना पाए, एबनॉर्मल ना हो, असंतुलन ना हो, समझ रहे ना, ये लॉजिक है। और भोजन अच्छे से पच भी जाता है, गर्मी नहीं होती, उल्टी की इच्छा नहीं होती, जीने में चला। इसके साथ ही एक बहुत पॉइंटेड बात बताऊंगा आपके लिए कि आपकी कौन सी प्रकृति है, बात पित्त कफ। वैसे तो ये तीनों ही हमारी बॉडी के अंतर्गत होते हैं, शरीर में बात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं, जिनके होने से शरीर चल रहा है, या जिनके जिनमें असंतुलन होने से शरीर में बीमारियां बहुत तरह की पैदा होती हैं। और तीनों को साम्य अवस्था में रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। तो अगर आपकी बात प्रकृति है, बात प्रकृति का अर्थ होता है, ये कैसे पहचानोगे आपके शरीर की बात प्रकृति है? बात प्रकृति वायु प्रधान, आपके अगर शरीर में जैसे कि गैस बनना, पेट में भारीपन रहना, या फिर हल्का हाथ पांव में दर्द और रहना, नस नाड़ियों में थोड़ी थकान सुस्ती, इस तरीके की चीज़ें अगर आपको दिक्कतें ज़्यादा परेशान करती हैं तो समझो आपकी बात प्रकृति है। और बात का स्थान जो है नाभि चक्रा है, पैरों में टूटन, पिडलियों में टूटन, ऐठन, इस तरीके की हो रही, तो समझो आपका बात बढ़ गया है। तो बात प्रकृति वालों को अपने भोजन में कौन सा आहार शामिल करना चाहिए, यह एक बड़ी मजे की बात है, जानने योग्य है। तो आपकी अगर बात प्रकृति है तो आपको भोजन में शामिल करना चाहिए मीठा, नमकीन और खट्टा, लेकिन खट्टा इतना ना हो, सामान्य खट्टा होना चाहिए, दही या छाछ हल्का खट्टा होना चाहिए। उसमें काला नमक डालिए, सेंधा ना, या सेंधा नमक डालिए, जीरा भून करके उसमें मिला लो, हींग भुना हुआ मिला लो, हींग का पाउडर, ये अपने भोजन में शामिल करें। इससे आपको बात रोग को शांत करने में सुविधा होगी। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय तुम्हारा बात बढ़ा रहे, पित्त बढ़ा रहे, ये समय समय पे घटते बढ़ते रहते हैं, हमारे खान पान के अनुसार, ऋतु के अनुसार, और कभी कभी हमारी भावनाओं के अनुसार। अब चलते हैं पित्त की ओर। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बढ़ रही, आँखों में जलन हो रही है, गुस्सा ज़्यादा आ रही है, मुँह का स्वाद आपको कड़वा लग रहा है, नमकीन लग रहा है ज़्यादा, मुँह में पानी ज़्यादा बन रहा है, हथेलियों में जलन, पैर में, पैर के तलवों में जलन आदि हो रही है, और छाती में जलन, तो समझो आपका पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त प्रधान है। ऐसे लोगों को भोजन में क्या शामिल करना चाहिए? भोजन में होना चाहिए मीठा और कसेला। कसेला में आंवला होता है, बहड़ा होता है, त्रफला होता है,
और भी कसीले चीज़ें जो भी हों आपके यहाँ पर जो साग सब्जी मिलती हो, कसीला स्वाद हो तो मीठा, ये चीज़ें भोजन में अधिक सम्मिलित करें। धीरे धीरे आप अपनी चिकित्सा आहार के द्वारा भी कर सकते हैं। अब आता है बात पित्त कफ। अगर कफ बड़ा हुआ है, पित्त का स्थान आँखों की पुतली भी होती है और कफ का स्थान स्पेशली जो है कंठ से लेकर के आपकी छाती तक रहता है। अगर कफ बढ़ा है तो उसकी सामान्यता पहचान है, कफ ज़्यादा निकलेगा, नज़ला जुखाम ज़्यादा होगा। तो ऐसे लोगों को कड़वी चीज़ें, कसैली चीज़ें और तीखी चीज़ें, मिर्च मसालेदार चीज़ें ज़्यादा लेना चाहिए। तो इससे होगा क्या, आपके जो दोष हैं बड़े हुए हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, ठीक है ना। आहार विज्ञान में बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आज इतना ही। फिर किसी दिन अन्य बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात और जोड़ दे रहा हूँ भोजन के बारे में। भोजन को साफ सुथरे स्थान पर बैठ कर खाना चाहिए, हाथ मुंह पैर धो के खाना चाहिए, स्वच्छ हो। बाहर से चल के आए तो आराम करो थोड़ा सा, उसके बाद हाथ मुंह पैर जरूर धोना चाहिए, पंच स्नान कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। पूरब और दक्षिण को मुंह करके, बहुत से लोग कहते हैं दक्षिण को मुंह करके नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ खाना चाहिए। पूरब और दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन जो भी मिले प्रेम से खाओ, प्रणाम करके खाओ भोजन को, परमात्मा को स्मरण करके खाओ भोजन के लिए, और खूब चबा चबा के खाओ। जैसा कि आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है, भोजन को पानी की तरह खाओ और पानी को भोजन की तरह पियो, अर्थात खाने को इतना चबाओ कि वो एकदम लिक्विड जैसा हो जाए, चटनी जैसा हो जाए मुंह में, तभी वो स्वास्थ्यप्रद होगा। इससे कम भी भोजन खाया जाएगा और ज़्यादा ऊर्जा शरीर को देगा, अतड़ियों पे जोर नहीं पड़ेगा। साथ में पानी को घूंट घूंट करके आराम से लेना चाहिए, नहीं डक 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 ऐसे बोतल देखाया आपने स्टेशनों पर खड़े कहीं कहीं खड़े ऐसे पूरा बोतल लगाए गड़गड़ 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 पी जाते हैं, वो सब कुछ नहीं है, बेहूदगीपन है। थैंक यू सो मच। वीडियो को अधिक से शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो और सबका भला हो। ओम शांति, ओम क्रांति।